नमस्ते प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनोद कुमार तथा आप देख रहे हो स्वामी दयानंद नेचुरोपैथी हॉस्पिटल का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बताएंगे कैसे आप अपने घर में ही स्टीम बाथ ले सकते हो। स्टीम बाथ का सिंपल हिंदी है भाप का स्नान। आपने देखा होगा कि जब भी आपको कोल्ड होता है, इवन जो पुराने समय में किसी को बुखार भी होता था, तो कुछ औषधियाँ होती थी तो उसकी भाप ली जाती थी, तो नजला, जुकाम, खांसी तथा बुखार सिर्फ भाप से ठीक हो जाता था। इसका साइंटिफिक लॉजिक क्या है इस नेचुरोपैथी टेक्निक का, कि हमारे पूरी बॉडी में होल्स होते हैं जिसे वोम कूप कहते हैं, स्मॉल 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 पूरा बॉडी में, तो अगर वो होल्स बंद हो जाएं डर्ट की वजह से या आपके अंदर डस्ट की वजह से, तो पसीना बाहर नहीं आता। इवन सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि चाहे आप एक्सरसाइज भी करते हो पसीना नहीं आता, जिसकी वजह से आपके अंदर टॉक्सिन इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सभी बीमारियां लगती हैं। इसलिए इस नेचुरोपैथी टेक्निक को सर्दियों में हर किसी को यूज़ करना चाहिए, बहुत ही आसान है। इसके बेनिफिट क्या है, क्योर मसल पेन, मसल पेन भी आपके जो पसीना बाहर नहीं निकलता, टॉक्सिन अंदर इकट्ठा होता जाता है उसकी वजह से होता है, वो ठीक हो जाता है। आपके ज्वाइंट पेन है, जितने भी ज्वाइंट पेन है, आप स्टीम बात कीजिए, आप भाप स्नान कीजिए और अपने आप को देखिए, आपका सभी ज्वाइंट पेन ठीक हो जाएंगे, मसल्स में रिलैक्स आ जाएगा। कोल्ड तथा कफ जुकाम हो तो आप अदरक है उसको उबालिए, उसको भाप लीजिए, आपको साथ ही साथ बेनिफिट होगा। खांसी और तभी यूज कर सकते हो। आपके अंदर डिप्रेशन है, नींद नहीं आ रही, आप हल्का सा भाप स्नान कीजिए, आपको नींद आ जाएगी। अगर आपके मोटापा बढ़ गया तो आप सर्दियों में भाप स्नान कर सकते हो, अभी अक्टूबर का महीना है तो इसका बेनिफिट ले सकते हो। सभी प्रकार की स्किन की बीमारी है, चाहे आपको रिंग वार्म है, चाहे खुजली है, खाज है, तो सभी में आप भाप स्नान का लाभ ले सकते हो। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा मैं स्टेप्स बता रहा हूँ। सबसे पहले जो है फर्स्ट स्टेप, अगर आपने भाप स्नान करना है तो कौन कौन से स्टेप्स लेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप है ड्रिंक वाटर फॉर हाइड्रेट बिफोर टेकिंग स्टीम बाथ। आप एक गिलास, दो गिलास, तीन गिलास पानी पी लीजिए। उससे क्या है, पानी पीने से अगर आपके अंदर ऑलरेडी 70% ब्लड में पानी नहीं है तो आपका खून सूख जाएगा जब आप भाप स्नान करोगे, इसलिए आपको पानी पीना चाहिए ताकि आप डिहाइड्रेट हो जाओ, पानी की जो कमी है वो पूरी हो जाए। 70% आपके ब्लड में पानी होना चाहिए। सेकंड स्टेप, क्लीन होल बॉडी स्मॉल होल्स बाय बाथिंग बिफोर स्टीम बाथ। एक घंटा, दो घंटे, तीन घंटे, चार घंटे, फर्स्ट आप एक नॉर्मल स्नान कीजिए, उसमें साबुन से सभी को आपने अपने स्किन्स को घसाना है, तथा नॉर्मल स्नान से सबसे पहले यह जो आपके होल्स है, स्मॉल होल्स हैं, इसको खोल देना है ताकि इसमें से पसीना तो बाहर आए। अगर इसमें डर्ट है, इसमें गंदगी है तो आएगा नहीं अंदर अंदर, वो आपको नुकसान करेगा, आपकी स्किन को नुकसान करेगा जो अंदर पसीना ठहर गया है। ठीक, वार्म अप बिफोर स्टीम बाथ। आप हल्की सी एक्सरसाइज कर लीजिए, कोई भी एक्सरसाइज कर लीजिए, चाहे आप अपने बॉडी को तो हल्का सा घुमा लीजिए, ओके। तो उससे क्या है कि जैसे ही बॉडी आपकी घूमती है किसी भी दिशा में घुमा लीजिए, ठीक है, इस तरफ या इस तरफ, ओके, उससे चाहे ऊपर चाहे नीचे, चाहे हाथों को ऊपर कर लीजिए, इससे क्या है ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। हम हीट को ले रहे हैं जो भाफ में है, तो अपना बॉडी का टेम्परेचर भी हल्का सा गर्म होना चाहिए, इसलिए अपनी बॉडी को वार्म करने के लिए एक्सरसाइज आवश्यक है भाफ स्नान लेने के लिए, देने से पहले। उसके बाद है यूज प्रॉपर वे टू टेक स्टीम बाथ। अब भाप है जो गर्म भाप है, पानी को उबालते हैं तो भाप निकलती है ना, उसको लेने के बहुत ही सारे सिंपल तरीके हैं, टेक्निक्स हैं। फर्स्ट है आप बाथ विद हॉट वाटर, हल्का सा पानी उबाल लीजिए, उसको बहुत सारा टब है पानी उसमें डाल दीजिए, हल्का सा हॉट हो तो
तो स्नान करोगे तो आपके जो स्किन है इसमें से भाफ निकलेगी, तो यह है आपका हो गया भाफ स्नान। बहुत सिंपल है, अक्सर लोग जो बुजुर्ग हैं वो हॉट वाटर से नहाते हैं, तो उससे भी आपका जो है यह खुल जाते हैं जो आपके होल्स हैं आपके स्किन में, वॉर्म कूप। बाथ विद हॉट वाटर हो गया, टेक हॉट वाटर शॉवर, ऊपर से पानी गिरेगा हल्का सा गर्म हो, उसका शावर लोगे आप तो भी आपका आपको पसीना आएगा तो उससे बीमारियां निकलेंगी बाहर। मेक स्टीम बाथ मशीन, मशीन बनाना बहुत आसान है। मैं हर बार कहता हूं कि प्रेशर कुकर यूज नहीं करना चाहिए, बट आप अपने घर में स्टीम बाथ की मशीन ले सकते हो। जैसे इसकी सीटी होती है, ये निकाल दीजिए, ये निकाल दी। अब एक पाइप सा ले लो, एक हल्का सा डब्बा सा बना लो, वुड मेकर को बुला लीजिए, कारपेंटर को बुला लीजिए, उसके उसमें से एक दरवाजा रख लीजिए, हल्की सी उसमें गर्दन निकले, आप उसमें कुर्सी में बैठ जाओ। अब ये यहाँ उबलेगा, इसमें पानी डाल दीजिए, इसमें उबलेगा, इसकी जो गैस है उसमें डाल दीजिए, ओके। उससे के ऊपर गीला आप कॉटन का क्लॉथ रख सकते हो ताकि आपकी हीट दिमाग के ऊपर असर ना करे, तो आप 2-4 मिनट जितना आप सहन कर सकते हो वो लीजिए, आपको बॉडी में ऐसा लगेगा कि पसीना आ गया तथा हल्की हो गई है बॉडी, जितना भी टॉक्सिन ना बाहर निकल रहा है, जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन तेज हो रहा है आपका बॉडी का, तो आपको यह मशीन इस प्रेशर कुकर पुराने जमाने में एक ने खोज की थी कि आपकी ट्रेन को चलाया जाएगा भाप से, फिर खोज हुई कि इसमें खाना बनाया जाएगा, पर यह खाना टॉक्सिन वाला है, इसको कोई यूज मत कीजिए, इससे आप स्टीम बाथ यूज कीजिए, ओके। भाप का स्नान के लिए इस मशीन को यूज कीजिए, हर एक चीज का यूज होता है, यह आपने देखना है कहां इसका बेनिफिट है, ओके। बॉयल द वाटर एंड यूज इट स्टीम, आप किसी केतली में पानी को उबाल लीजिए, आपके जिस हिस्से में पेन है, जिस हिस्से में तकलीफ है, कोई स्किन समस्या कुछ भी है, हल्का सा वहां रख दीजिए आप, ठीक है। जैसे आप उसको बाल्टी में डाल दी, उसमें से भाप निकलेगी, उबला हुआ पानी है, काफी देर तक उबाला है उस पानी को, आपको मान लो कि जुकाम है तो अपना गर्दन नीचे आके उसका सेक लीजिए, आपके हाथ में पेन है, आपके बैक मसल में पेन है तो वो पार्ट उसके सामने रख दीजिए, आपके लातों में ज्वाइंट पेन है उसके सामने रख दीजिए, ठीक है। सुबह शाम कीजिए, आपका यह समस्या ठीक हो जाएगा, ओके। तो यह नेचुरोपैथी का बहुत ही अच्छा वरदान है स्टीम बाथ, इसको इस सर्दियों में आपने यूज करना ही करना है, ओके। एक बार फिर बता देता हूं आपको कि पानी पीना है आपने, नंबर दो पे आपने उससे 1-2 घंटा अपना बॉडी को क्लीन कर देना है, नंबर तीन पे आपने भोजन नहीं खाना, क्योंकि भोजन को पचाने के लिए शक्ति यूज होती है, तो वो टॉक्सिन बाहर निकालने के यूज नहीं होगी, डिस्टर्ब हो जाएगा स्टोमेक। बॉडी को गर्म कर लीजिए टेम्परेचर से, जैसे आप बहुत तेज भागते हो तो पहले हल्का हल्का भागते हैं, ओके। तो उसका उसके लिए तैयारी होनी चाहिए, ओके। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस, यूज प्रॉपर वे टू टेक स्टीम बाथ, मैंने तरीका बता दिया, हल्का सा गर्म पानी से नहा लीजिए, शोवर लीजिए स्टीम बाथ मशीन के लिए, प्रेशर कुकर यूज कीजिए, एक पाइप लगा लीजिए, इसमें से एक डब्बा बंद डब्बा वो पाइप जाना चाहिए, तो कुछ ही देर में 1-2 मिनट में उसमें भाप इकट्ठा हो जाएगी, उसको आप ले सकती हो, ओके। इसके अलावा आप पानी को केतली में उबाल के उसकी भाप डायरेक्टली ले सकती हो, ओके। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए, बहुत जल्द हम इस मशीन को प्रॉपर वे से कोशिश करेंगे ऑफलाइन पे भी आपको यह सर्विस दें, तथा अगर आपने अभी ऑनलाइन पे हमारी सर्विस लेनी है किसी भी समस्या के इलाज के लिए, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए, 93-582-3425 93-562-34-925 आगे +91 लगा दीजिए, तथा अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो के संबंध में या किसी वीडियो के संबंध में उसके नीचे कमेंट दे सकते हो आप, ओके। आप सब ने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।